हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेल फैन पीसी IRCTC पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखा कि आखिर क्यों तेजस हुई बंद, इस टाइप का आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, सारी जानकारी देंगे, जहां तक कि आप लोगों ने भी सुना होगा न्यूज में कि तेजस एक्सप्रेस बंद हो रही है। आखिर क्यों बंद हो रही है, इसकी क्या वजह है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ से न्यू दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 82502 को बंद कर दिया गया है 23 नवंबर को। और वहीं मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली तेजस एक्सप्रेस 24 नवंबर को भी बंद कर दिया गया। ये दो तेजस एक्सप्रेस अपने भारत में बंद चल रही है, क्या पता आगे और भी तेजस को बंद कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस समय तेजस एक्सप्रेस में यात्रा कम कर रहे हैं यात्रीगण। और वहीं दरअसल इसका असली वजह यह है कि 736 यात्री मतलब एक दिन में सफर करते थे जब नॉर्मल था ये समय, लेकिन इस समय कोरोना और लॉकडाउन के कारण यात्रियों की कम डिमांड है। और इस समय अगर सूत्रों के मुताबिक माना जाए तो सिर्फ 60 से 70 टिकट ही बिक रहे हैं तेजस एक्सप्रेस में। इस वजह से इस ट्रेन को अब यार्ड में खड़ा करने का फैसला ले लिया गया है। अब इसको चलाया नहीं जाएगा, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक इस ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा। और इसको इस प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को चलाने का खर्चा आप लोग जानते हैं कितना है? 15 से 16 लाख इसका खर्चा है सिर्फ एक दिन में चलने का। तो अगर देखा जाए तो अभी तेजस एक्सप्रेस को चलाना सबसे बड़ा घाटा भारतीय रेलवे को होने वाला है। प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का जो एक दिन का चलाने का जो खर्चा 15 से 16 लाख रुपए है, वो इसलिए है क्योंकि यह एक निजी ट्रेन है और इसका संचालन मेन IRCTC खुद करती है, तो इसका खर्चा इतना बनता है। तो फ्रेंड्स, जब तक अगला आदेश भारतीय रेलवे की तरफ से नहीं आता तब तक मुंबई से अहमदाबाद और लखनऊ से न्यू दिल्ली तेजस, ये दोनों ट्रेनें बंद रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये एक खबर आपने सुनी होगी सोशल मीडिया पे, हर जगह सुनी होगी कि 1 दिसंबर 2020 से कई सारी ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। ये अफवाह है, इस सब के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग टिकट बुक कीजिए। अब जितनी भी ट्रेन चलेंगी भारतीय रेलवे की तरफ से, वो सारी ट्रेनें कोविड स्पेशल के नाम से चलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही, यहीं पर आज की जानकारी समाप्त करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। अगर आप लोग हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।